अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो कश्मीर एवन न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान सागर गुलजार। सामीन, आपको मैं बताता चलूँ कि एक पुरानी कहावत है कि सफाई से इंसान इंसान है। उसी सिलसिले को लेकर जहाँ हर तरफ हमारे देश में इस वक्त स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा सोपोर म्यूनसिपल कमेटी का हाल। हम इस वक्त मौजूद हैं सोपोर के म्यूनसिपल एरिया में, जहाँ पर एक इलाका आता है जिसे मॉडल टाउन कहा जाता है। मॉडल टाउन में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग रहते हैं, और म्यूनसिपल एरिया की सारी कमेटी यहाँ से भी होके गुजरती है और म्यूनसिपल चेयरमैन भी इसी रोड से गुजरता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आज तक उनकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है या वो इतने खावे गफलत में हैं कि इनको ये गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, गंदगियों के बड़े बड़े ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये नेशनल हाईवे का हाल है। नेशनल हाईवे जो सोपोर कुपवारा रोड है, उसी रोड पे मॉडल टाउन आता है। मॉडल टाउन में ये हाल है, यहाँ पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। आप देख सकते हो कुत्ते कुछ खा रहे हैं। आम लोगों का चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आम लोग इस रास्ते से पैदल नहीं गुजर सकते हैं क्योंकि कुत्ते इतने हैं। यहाँ पर गंदगी के इतने बड़े ढेर है, हम आपको दिखाने में भी हमें शर्म आती है कि हम इस एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ से रोज़ बड़े बड़े ऑफिसर्स गुजरते हैं, लेकिन किसी को ये नज़र नहीं आता है कि नेशनल हाईवे पे डंपिंग यार्ड के बजाय इसे नेशनल हाईवे के बजाय इसको डंपिंग यार्ड बनाया गया है। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है म्यूनसिपल कमेटी सोपोर से कि वो इस चीज़ का आज खुद जायज़ा लें और यहाँ पर डंपिंग यार्ड किसी जगह बनाएं जहाँ पर ये गंदगी के ढेर। और लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि खुदा रा नेशनल हाईवे पर को डंपिंग यार्ड ना बनाया जाए। कैमरामैन वानी आदिल के साथ मैं सागर गुलजार, कश्मीर एवन्यूज़।